बैक टू इडी एकेडमी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दो ऐसे टॉपिक जो बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है, अलग से स्पेसिफिकली पूछे जाते हैं, ठीक है। लिमिट्स ऑफ सीडीएम हम लोग पढ़ेंगे और आई होप कि जितना मैंने आपको पढ़ाया है आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, लेकिन मेरे पास कोई डाउट्स नहीं आ रहे हैं। तो आप लोग प्लीज डाउट्स पूछिए, वीडियोज को देखिए, और जो भी डाउट लगता है, किसी का भी मीनिंग आप अगर पूछना चाहते हैं, आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो वो भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर जो है ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, इसके बाद हम लोग ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे सीडीएम। तो मैंने आपको बता दिया था सीडीएम कैसे लॉन्च हुआ था, उसके पीछे की कहानी क्या थी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये भी बताया था। अब हम देखेंगे लिमिट्स ऑफ सीडीएम। पहले हम लोगों ने देखा था, जब हम लोगों ने नॉन कोऑपरेशन पढ़ा था, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की भी हमने लिमिट्स पढ़ी थी कि क्या लिमिट्स थी, वो ग्रेजुअली धीरे धीरे क्यों स्लो डाउन हो गया था। तो आज हम लोग देखेंगे, मैंने आपको ये भी कहा था कि सीडीएम और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बहुत मैच करता है, और उसमें सिर्फ आपको याद रखना है कि सीडीएम में कहा गया था कि आपको ब्रेक करना है, रिबल्स डिड नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द मूवमेंट, ठीक है। जो दलित थे और अनटचेबल थे, उन्होंने मूवमेंट जो था सीडीएम मूवमेंट जो था उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। दे डिमांडेड रिजर्वेशन ऑफ सीट सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है, उन्होंने किसकी डिमांड करी थी, आपकी सीट्स की डिमांड करी थी, और रिजर्वेशन ऑफ सीट्स और सेपरेट इलेक्टोरेट। देखो आपको पता है कि जो शेड्यूल कास्ट और ट्राइब्स थी, विमेन्स और बैकवर्ड क्लासेस, इनकी कंडीशन अच्छी नहीं थी आज से 100-150 साल पहले की अगर हम बात करें। इवन ये तो मैं ज्यादा बोल रही हूँ, अगर हम आज से 70 ईयर्स या 50 ईयर्स भी ले लें तो बहुत ज्यादा कंडीशन खराब थी। जो एससी थे, शेड्यूल कास्ट थी, ठीक है, उनको दलित नाम दिया गया था और अनटचेबल्स उनको कहा जाता था। तो इनको मंदिरों में या पब्लिक प्लेसेस पे जाने की अनुमति नहीं थी उस टाइम पे, ठीक है। जो अपर क्लास के लोग थे इनको बहुत ज्यादा डोमिनेट करते थे, तो इस वजह से इनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। तो इनके जो लीडर थे, आप लोगों को पता ही है, कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताएंगे, डॉक्टर बी आर अंबेडकर, ठीक। तो अंबेडकर साहब क्या थे, इनके लीडर थे। तो उन्होंने डिमांड करी थी कि हमको रिजर्वेशन चाहिए सीट्स में। जो अभी हम लोग गुस्सा करते हैं कि रिजर्वेशन क्यों दिया गया है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को या ओबीसी को, ठीक है, जनरल वालों को मोस्टली ये बुरा लगता है। तो उनके साथ बहुत ज्यादा उनको ह्यूमिलेट किया गया। अगर आप उनका पास्ट में जाके देखोगे, पास्ट को उठा के देखोगे, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स उन लोगों ने फेस करी। इस वजह से उन्होंने रिजर्वेशन की डिमांड करी और सेपरेट इलेक्टोरेट, यानी कि वो अपना एक अलग से कंट्री बनाना चाहते थे। जैसे पाकिस्तान अलग हो गया, वैसे वो लोग भी क्या चाहते थे कि हम अलग से अपना कंट्री बना के उसमें रहना चाहते हैं। डॉक्टर अंबेडकर द लीडर ऑफ द दलित फाउंड एन एसोसिएशन 1930 कॉल्ड द डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछा जाता है। तो डॉक्टर अंबेडकर जो दलित के लीडर थे, ठीक है, उन्होंने एक एसोसिएशन, एक ग्रुप फॉर्म किया था 1930 में, जिसको कहा जाता था डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन। कौन सा क्लास कहा जाता था? डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन कहा जाता था, क्योंकि इनको बहुत ज्यादा सताया गया था, परेशान किया गया था। ही क्लेश विद गांधी जी एन इशू ऑफ रिजर्वेशन। अब डॉक्टर बी आर अंबेडकर का और गांधी जी का भी क्या हो रहा था? क्लैश हो रहा था। किस वजह से? रिजर्वेशन की वजह से, ठीक है। पहले ही पाकिस्तान, मतलब ये गांधी जी को अंदाजा लग गया था कि एक कंट्री तो बनना ही बनना है, मुस्लिम कंट्री, इस्लामिक कंट्री बनना है, ठीक है। अब दूसरा, इन लोगों ने भी डिमांड कर दी, यानी कि बी आर अंबेडकर ने भी डिमांड कर दी कि क्लैशेस हो रहे हैं, क्लैशेस चल रहे थे गांधी जी के साथ, और वो रिजर्वेशन की डिमांड कर रहे थे। इन सितंबर 1932 पूना पैक्ट बिटवीन द गांधी जी एंड बी आर अंबेडकर गेव रिजर्व्ड सीट्स टू डिप्रेस क्लास इन प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, जब सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड करी इसने, आपका बी आर अंबेडकर ने, तो उन्होंने क्या कहा गांधी जी को कि हमको हमारा अलग कंट्री बनाना है। अब यहाँ पर जो गांधी जी थे वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए कि एक तो उनको पता था कि पाकिस्तान तो बनना ही है, एक कंट्री अलग होना ही है। अब वो नहीं चाहते थे कि दूसरा टुकड़ा भी भारत से निकल के अलग से एक कंट्री बने, भारत के ऐसे टूट, भारत को ऐसा टूटता हुआ वो नहीं देख सकते थे। तो गांधी जी उसके बाद अनशन पे बैठ गए, ये आपका एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, तो अनशन पे बैठ गए। उन्होंने बोला कि मैं एक और पार्ट नहीं, एक और भाग नहीं टूटने दूंगा इंडिया से, भारत से। तो उन्होंने कहा, दोनों के बीच में नेगोशिएशन हुआ, वो अपना भूख हड़ताल पे बैठ गए, फिर दोनों के बीच में बातचीत हुई। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर गए, उन्होंने बोला कि अगर, गांधी जी ने कहा कि अगर आप इस बात को नहीं स्वीकार करेंगे, यानी कि उन्होंने कहा कि अगर आप नहीं बात मानेंगे तो मैं ऐसे ही अपने प्राण को त्याग दूंगा, गांधी जी ने कहा। फिर दोनों के बीच में बातचीत हुई और दोनों के बीच में पैक्ट साइन हुआ, पूना पैक्ट, जिसमें डिप्रेस्ड क्लास यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि अपने, जो आपने देखा होगा अभी भी सारी अपना देखते हैं हम लोग, इलेक्शन में भी उनको सीट्स रिजर्वेशन दिया जाता है, प्लस आपका जितने भी आपकी एग्जामिनेशंस होती है, स्कूल्स की होती है या अपने कॉलेजेस की होती है गवर्नमेंट की, तो उसमें क्या होता है, उनको रिजर्वेशन दिया जाता है। बाय देवर टू बी वोटेड बाय जनरल
इलेक्टोरेट, ठीक है, तब उन्होंने जनरल इलेक्टोरेट के लिए वो वोट करने लगे। द दलित मूवमेंट कंटिन्यू टू बी अप्रेंशिव ऑफ द कांग्रेस एंड नेशनल मूवमेंट। तो जो दलित मूवमेंट था वो चल रहा था उस टाइम पे। तो मेन प्रॉब्लम यहाँ क्या थी कि CDM में इसलिए दलित लोगों ने, जो शेड्यूल कास्ट के जो लोग थे, उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, ठीक है, मतलब यानी कि सोसाइटी के एक वर्ग ने तो इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करा। मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वर लूक वॉर्म टू द CDM। मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इनके बीच में भी झगड़ा चल रहा था, तो ये भी एक लूक वॉर्म साबित हुआ प्रॉब्लम थी, ठीक है। फ्रॉम मिड 1920 द कांग्रेस विजिबली एसोसिएट विद हिंदू महासभा। 1920 में अगर आप देखोगे तो कांग्रेस जो था विजिबली एसोसिएट विद हिंदू महासभा। यहाँ पर कांग्रेस एसोसिएट हुई किससे? हिंदू महासभा से, क्योंकि कांग्रेस के बीच में जितने भी लीडर थे उनके बीच में भी क्या चलते थे? कॉन्फ्लिक्ट चलते थे। ग्रेजुअली हिंदू मुस्लिम कम्युनल क्लैशेस एंड रियॉट्स स्टार्टेड। अब धीरे धीरे हिंदू और मुस्लिम के दंगे स्टार्ट हो गए, ठीक है, रियॉट्स का मतलब होता है दंगे स्टार्ट हो गए। द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग ट्राई टू रीनेगोशिएट द अलायंस। और कांग्रेस और मुस्लिम जो लीग थी, यानी कि जैसे आपकी कांग्रेस एक पार्टी थी, वैसे ही एक मुस्लिम लीग एसोसिएशन बना हुआ था, तो इन्होंने रीनेगोशिएट करने की ट्राई करी कि दोनों आपस में क्या हो जाए, मिल जाए, ठीक है। द लीडर ऑफ द मुस्लिम लीग मोहम्मद अली जिन्ना वॉन्टेड रिजर्व सीट फॉर मुस्लिम इन सेंट्रल असेंबली। मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, जिनको फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है, ठीक है, तो इन्होंने भी अब क्या करा, इनको लगता था कि हम माइनॉरिटी में आ जाएंगे, कल को ऐसा ना हो कि हिंदू हमारे ऊपर क्या करने लग जाए, डोमिनेट करने लग जाए। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने भी एक क्या, किसकी डिमांड करी? रिजर्व सीट्स की डिमांड करी सेंट्रल असेंबली, यानी कि जो इलेक्शंस होते थे, काउंसिल इलेक्शन होते थे, उसमें उन्होंने भी, जैसे कि शेड्यूल कास्ट को दिया गया था रिजर्वेशन, तो मुस्लिम्स के जो लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद मुस्लिम लीग के जो लीडर थे, उन्होंने क्या कर दिया, डिमांड कर दिया रिजर्व सीट्स की, ठीक। तो यहाँ पर ये क्लैशेस इनके भी चल रहे थे। दे डिमांडेड फॉर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड मुस्लिम डोमिनेंट रीजन बंगाल एंड पंजाब। वो डिमांड कर रहे थे कि हमको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन चाहिए, क्योंकि बंगाल और पंजाब में ज्यादा है मुस्लिम्स। इन ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस 1928 MR जयकर स्ट्रांगली अपोज द कॉम्प्रोमाइज। लेकिन यहाँ के जो MR जयकर थे, उन्होंने इस बात को क्या करा, सीधे से नकार दिया। उन्होंने बोला कि बहुत ज्यादा उन्होंने इसको अपोज किया, वो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज करने की फेवर में नहीं थे। किसके साथ? मुस्लिम, मतलब मोहम्मद अली जिन्ना के साथ। और यानी कि अगर इजी वर्ड में कहे तो वो रिजर्वेशन नहीं देना चाहते थे मुस्लिम्स को। इन द टाइम ऑफ CDM सम मुस्लिम लीडर एंड इंटेलेक्चुअल एक्सप्रेस कंसर्न अबाउट देयर स्टेटस एज माइनॉरिटी। तो जब CDM चल रहा था, मूवमेंट चल रहा था, तो CDM में पार्टिसिपेट करने की बजाय ये लोगों को अलग कंसर्न था कि हम मुस्लिम्स क्या है, माइनॉरिटी में है, तो हमको भी रिजर्वेशन दिया जाए। दे इवन फियर्ड अबाउट देयर कल्चर एंड आइडेंटिटी। उनको अपने कल्चर और आइडेंटिटी का भी क्या था, फियर था बहुत ज्यादा। लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो एक और लिमिट्स क्या आ गई कि CDM में मुस्लिम्स लोगों ने बहुत कम पार्टिसिपेट किया, यानी कि लार्ज अमाउंट में जो थे उन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। वैसे ही दलित, जैसे दलित ने नहीं किया था, तो दलित अगर आप शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को देख लो, दूसरा मुस्लिम्स को देख लो, तो इन लोगों ने तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया था। तो ये था आपका लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। इसके पहले मैंने आपको CDM बताया, सॉल्ट मार्च बताया है, सत्याग्रह, ये वाला जो टॉपिक है, ये वाला जो चैप्टर, इसमें से 5 marks का आता है, मैपिंग भी आती है। तो इसको हम लोग, चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, लास्ट टॉपिक आप इसका बचा हुआ है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। और जो आप प्रीवियस वीडियो आप जो देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दी जाती है। तो जो भी प्रीवियस वीडियो होते हैं, तो आप एक बार अगर आपको कंफ्यूजन होता है, तो आप लिंक को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कीजिए, वहां पर लिंक होती है, तो आप अगर प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो आप कनेक्ट कर पाएंगे। टॉपिक वाइज चलिए, सब टॉपिक वाइज चलिए, तो बिल्कुल भी आपको हिस्ट्री हो चाहे ज्योग्राफी या SST कभी भी टफ नहीं लगेगी। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए बने रहिए ED Academy के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।